बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपनों की याद को ताज़ा रखने के लिए और समाज को एक अच्छी सीख देने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक हैं शहीद मेजर कुलबीर राणा की पत्नी, जिनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेजर कुलबीर राणा को देश की खातिर 1971 में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जिनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी ने अपने मन में ठान लिया कि वो समाज में नौजवानों के मन में देश की भक्ति का जज्बा भरेंगी, जिसके लिए उन्होंने खेलों को इसका एक अच्छा जरिया माना और साथ ही साथ नौजवानों को नशे जैसी बुराई से दूर रखने का एक प्रयास किया, जिसके सदका वो पिछले कई सालों से लगातार हॉकी टूर्नामेंट शहीद की याद में करवाती आ रही हैं। और हर साल की तरह इस साल भी शहीद मेजर कुलबीर राणा की पत्नी की ओर से 23वां हॉकी टूर्नामेंट हल्का भोआ के गांव तंगो शाह के स्टेडियम में करवाया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और J&K के साथ साथ आर्मी की टीमें भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंची। 4 दिवसीय चले इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत शहीद मेजर कुलबीर राणा की पत्नी द्वारा रिबन काट कर की गई। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको प्रोत्साहित किया जाए। हॉकी हमारे एरिया में तकरीबन ख़त्म ही हो रहा था, और इसलिए हमारे क्लब राणा क्लब ने सोचा कि हम एक क्लब बनाते हैं और उसके बेस पे हॉकी को दोबारा रिवाइव करते हैं। तो ये 33वां हॉकी टूर्नामेंट है, और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है ये बताने में कि आसपास के सभी गांवों ने अपनी अपनी हॉकी की टीमें तैयार कर ली हैं, और आज इस प्रांगण में शादीपुर, चेला, रशपालवा, सुजानपुर, गुरदासपुर, मलकपुर और जलंधर आर्मी 24 सिख रेजिमेंट और अन्य टीमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। लगभग 24 टीमें इस बार यहाँ पे आई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट चला है। मेजर कुलबीर सिंह राणा जी के नाम से टूर्नामेंट चल रहा लगातार पिछले 32-33 साल तो लगातार चल रहा जी। तो काफ़ी बच्चे आ जो इतों आर्मी में भर्ती हुए हैं, बड़ी दूर दूर गए हैं, नशे तो दूर रहते हैं, तो सानू इन देख के भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगे भी बच्चे काफ़ी बाहर जा रहे हैं, सानू बड़ी खुशी है जी टूर्नामेंट होने लगातार। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले गांव तंगो शाह के शहीद मेजर कुलवीर सिंह राणा की याद में उनके गांव में उनकी याद में बने स्टेडियम में 33वां ओपन हॉकी टूर्नामेंट जो है वह करवाया जा रहा है। ये टूर्नामेंट हर साल स्टेट लेवल पर आयोजित किया जाता है, जिसमें से J&K, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के अलावा सेना की टीमें भी भाग लेती हैं। इस बार भी 24 टीमों ने भाग लिया है, और ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया उपराला है इस गांव का, इस गांव के कुछ लोगों द्वारा जिन्होंने ये सपना देखा था कि शहीद मेजर राणा की शहादत को किस तरह ज़िंदा रखा जाए। और हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि इस हॉकी के माध्यम से इस इलाके के काफ़ी युवा जो हैं आज भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हॉकी को खेलकर, अपने राष्ट्रीय खेल को अपनाकर वो अपने सुनहरी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मैं सरकारों से भी अपील करता हूं कि जो हमारी हॉकी है, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, वो विलुप्त होता जा रहा है। सरकार को इसे बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान बनाकर, स्टेडियम्स बनाकर, बच्चों को हॉकियाँ भेंट करके इस खेल को जो है बढ़ावा देना चाहिए।